अरे सोची सोची जिया हमरो काहे घबराता दरोगा जी हो, चारे दिन से पियावा बन पाता दरोगा जी हो, चारे दिन से पियावा बन पाता। यही गाना आप जेल में भी गाए थे? जी जी सर। किसी के कहने पर आप गाए थे क्या ये गाना? जी। किनके कहने? सर लोग बोले कि क्या करते हो, हम बोले गाना वाना गाते हैं सर, तो बोले कि थोड़ा सा एक सुना सकते हो, हम कहने जरूर सुना देंगे, तो हम सुना है, कोई वीडियो बना लिया, उसको वायरल कर दिया। बक्सर जिला के हाजत से वायरल गाना होने के बाद मशहूर हुए सिंगर कन्हैया राज। कैमूर जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र के डैरक गांव के रहने वाले कन्हैया राज का गाना सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सिंगर कन्हैया राज को कई जगहों से गाना गाने का ऑफर आने लगा। कन्हैया राज दिन सोमवार को भभुआ रोड रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने के लिए पहुंचे थे, तभी इस बात की जानकारी उन्होंने खुद दी। कन्हैया राज ने बताया कि उनके साथ घटना घटी और हाजत तक पहुंच गए, और वहां ड्यूटी में तैनात जो पुलिस के लोग थे वह लोग बोले कि गायक है तो एक गाना सुना दीजिए, तो हमने गाना गाया दरोगा जी हो चार दिन से पिया बाबा न पाता, यही गाना गाया था। और जब सुबह हमको पता चला कि मेरा गाना वायरल हो गया है, और उसके कुछ ही समय के बाद मुझे कई जगहों से गाने के लिए ऑफर आने लगा, और मैं आज बनारस जा रहा हूँ गाना गाने के लिए। मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से हूँ, मेरा पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था, मैं किसी तरह 10वीं पास कर रखा हूँ, संगीत में मेरा अभिरुचि हमेशा रहता था। मेरे पिताजी और भाई मजदूरी का काम करते हैं, मैं पहले से भी 2018 से गाना गाता था, लेकिन हाजत से वायरल गाना होने के बाद मुझे बहुत लोगों का प्यार मिल रहा है, और आज मैं बनारस जाने के लिए जा रहा हूँ स्टूडियो में, जहाँ मेरा गाना सूट होगा और मार्केट में आएगा। कन्हैया राज ने बताया कि आज उस हाजत के वजह से मेरा गाना इतना वायरल हुआ कि मुझे खुशी का ठिकाना नहीं है, लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, हमारे गार्जियन और हमारे जिले के लोगों का और बिहार के बहुत लोगों का आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे, मैं गाना गाता रहूंगा। कैमूर से अंकित कुमार की रिपोर्ट। अरे सोची सोची जिया हमरो काहे घबराता दरोगा जी हो, चारे दिन से पियावा बन पाता दरोगा जी हो, चारे दिन से पियावा बन पाता। यही गाना आप जेल में भी गाए थे? जी जी सर। किसी के कहने पर आप गाए थे क्या ये गाना? जी। किनके कहने? सर लोग बोले कि क्या करते हो, हम बोले गाना वाना गाते हैं सर, तो बोले कि अरे ऐसे गर्भ में जादी, ऐसे गर्भ में जादी गर्दन दबाई बा, पापा हो पतो है एक दिन, पापा हो पतो है एक दिन, कहवा से लाई बा, पापा हो पतो है एक दिन, कहवा से लाई बा, पापा हो पतो है एक दिन। चलिए बहुत बहुत हम गाते हैं अश्लीलता गाना सर, हम नहीं गाते हैं, बट देखिए बताते हैं, अगर FIR करने से पहले अगर वो पूछे होते कि आप गाना क्यों गाया है, ढोड़ी चटना ढोड़ी मतलब वही थोड़ी ना कि वही ढोड़ी हम देखिए हम ये बताइए अश्लीलता भोजपुरी से अश्लीलता कब जाएगी, क्यों इस और आप लोग क्यों अग्रसित है, क्यों ज्यादा ऐसी गाने गाने के लिए आप लोग क्यों प्रेरित हैं? समझ के नहीं गए हैं वो, हम गाए कि खेसरिया रहत पटना बा पवाना ढोड़ी चटना बाई, हम लोग देहात में एक ढोड़ी खाने वाला होता है जो चावल का होता है, घी सीव का बनता है, गुड़ डाल कर उसको, अभी शायद खिचड़ी में सबका घर बना होगा, उसको ढोड़ी हम बोले हैं सर, लेकिन ढोड़ी किसी और गलत निगाह से सोच लिया तो हम क्या कर सकते हैं। अच्छा ओके, मेन मुद्दा हमारा वही था। ओके ओके, तो ये मैसेज आप उनको नहीं दिए जो आपके ऊपर FIR किए थे? पता नहीं था कौन किया था हमको, देखिए उतना हम देखिए हम 10 तक पढ़े हैं, उतना नॉलेज ही हमको पढ़ाई में था। आपसे जब पूछा गया तो आप क्लिफिकेशन दिए थे इस गाने के बारे में, कोई पूछा कि गाने में क्या आप गा रहे हैं, क्यों ऐसा गा रहे हैं, कोई पूछा इस नहीं, नहीं। गाने के बारे में क्लिफिकेशन दिए जो खाने वाले ले गए, तो आप बताएं गाने के मतलब, बताएं कि गाना हम ये मतलब ये नहीं था गाने का, हम छूट गए। अच्छा इसीलिए छूट गए, रात बेचारा रखे गए, हमको पनीर चावल भी खिलाए गए। तो थाने वाले गाना आपसे बोले गाने के लिए? जी बोले कि तुम सिंगर हो थोड़ा सुना सकते हो। अच्छा जरूर सुना देंगे। अच्छा हम सुनाए तो थाने वालों को मालूम था कि आप गाते हैं? भले अभी तो प्रोग्राम करके हम यहाँ आ रहे थे ना, तो बोले कि कहाँ से आ रहे हो, हम कहीं शो करके आ रहे सर। ओके तो हम बताएं कि हम गाना वाना गाते हैं, लोग पूछे कि क्या करते हो, तो हम बोले कि गाना वाना गाते हैं, तो सर बोले कि एक गाना सुना दो, तो
तो वही गाना हम जेल में थे तो जेल ही सोचे कि वही गाना उठा के गा दें। ओके ओके ओके।